आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है लक्ष्मी प्रिया ने और वीडियो का टाइटल है टॉप 5 फेमस स्ट्रीट फूड इन अमृतसर, लच्छी पूरी, छोले कुलचे, पैटी कुलचा और केसर वाला दूध। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो कर। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चाह नु ढिड फुकनी कहंदे आ, दूध नु समुंदर कहंदे आ। तो भाई साहब ये हमारा पैटी कुलचा तैयार है और जनाब जब गर्मा गर्म बन भट्टी में से निकलता है, अमूल का मक्खन उसके ऊपर लग जाता है ना, तो मजा आ जाता है जनाब। तो इधर पिज्जा कुलचा बन रहा है, कितने पतीले में बने ने चने ठंडी बस। सवेरा 4 बजे उठ के सौदा तैयार करीदा जी, उस तो बाद 8 बजे चल पईदा बाजार नु। की कहंदे नु? मेनू बोलते साबे वाली पूड़ी, हवाई पूड़ी, लुच्ची पूड़ी। सब ये देसी की है? यम्मी। अरे बाबा जी ने कई पदार्थ पाए ने, जिवें गुलाब दी पत्ती होगी, हल्दी होगी, इलायची होगी, बादाम हो गए, छुहारे हो गए, गर्म चीजा पाई ने सियाल दे विच जिहड़ा बंदे दा शरीर जिहड़ा गर्म रहे। गुरु रामदास जी नगरी विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। अज दी वीडियो विच तुहानू खास होण जा रही है, तो मतलब अज दी वीडियो विच तुहानू 5 जैके जो कि मैनूं लगदा वधिया हैगे ने ते रिकमेंडेशन लोकां वल्लों मिली ते ओह अज कवर करन आए। ते यार एक काम होर यार करो यार, अपने चैनल नूं सबसक्राइब करो, शेयर करो। जिहड़ा फूड साहब आपने बन मक्खन तो बहुत जगह से खाया होगा, लेकिन अंदरून अमृतसर में एक ऐसी बेकरी है जहाँ पर ये सारे बन आपकी आंखों के सामने पुराने तरीके के साथ भट्टी में बनाए जाते हैं। और जनाब जब गर्मा गर्म बन भट्टी में से निकलता है, अमूल का मक्खन उसके ऊपर लग जाता है ना, तो मजा आ जाता है जनाब। तो गुरविंदर भाई इस समय हम अंदरून अमृतसर में है जिसको ओल्ड अमृतसर बोला जाता है, और मैं आज आपको एक ऐसी बेकरी, ये देखिए सामने ग्रीन बेकरी पर लेके आया हूँ, जो 60 साल पुरानी दुकान है और फेमस है। यहाँ पर भट्टी में जैसे पुराने समय में बन बनते थे वैसे ही ताजा बन बनते हैं, अमूल के मक्खन के साथ दिए जाते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है। तो आइए चलते हैं, बताते हैं आपको कैसे ये भट्टी में बन बनता है अंदरून अमृतसर में। आ जाइए मेरे साथ ग्रीन बेकरी, अमृतसर की पुरानी बेकरी, कम विद में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। 60-70 साल हो गए सानू काम, साडे पहले दादा ही करदे सी, पहले 25-30 साल सानू भी काम च करदे। दीपक भाई ने बहुत दस्सा सी कि तुसीं इत्थे बन बना रहे हो फ्रैश, और की बना रहे इत्थे? बन मक्खन रोज डेली बनता ही फ्रैश, पैटी बनती फ्रैश साढ़े को, बिस्कुट बनते है, रस बनते है, कैन वगैरह बनते, पेस्ट्री बनती है, सब सौदा रोज की रोज फ्रैश बनता जी। तो किन्ने बजे शुरुआत कर लें दुकान? सवेरे अभी 6 बजे खोल ली थी, रात को 10 बजे बंद। तो तुम सवेरे लाइव देखना हो तो 10 बजे आओ, थानू फ्रैश बंद मक्खन भट्टी चो निकलते गर्मो गर्म अमूल मक्खन लगा के खुआवे जी। मात्र 20 में आपको तरो ताजा ये बन मिलेगा और सॉफ्टनेस लाजवाब। ये और ये देखिए रिफिलिंग देखिए जबरदस्त है, कोई किनारा इदा का नहीं है कि जिथे तुम मक्खन ना नजर आए। भाजी गुरु बाजार चौरस्ती अटारी हरी सिंह कटरा हरी सिंह ग्रीन बेकरी। सर जी देखिए अमृतसरी कुलचा फेमस है, हर जगह से मिल जाता है, हर कोई कहता है कि अमृतसरी कुलचा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीक से हटके थोड़ा सा ना मतलब बिल्कुल। और ये राम भाई साहब को मैं पिछले 2-3 साल से जानता हूँ, ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये पैटी कुलचा जो है अमृतसर में शुरू किया। कम से कम भाई मैंने 22 साल तो होते हो गए काम करते, पहले मेरे फादर साहब दादा जी का काम सीखा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान नवा बनया है, उस तो पहले का काम करते आ रहे हैं, पहले ढाबे का काम सीखा, उस तो बाद फिर जूँ इस लाइन च बढ़िया, फिर मैं आप खुद कुलचा का काम चालू किया। ये देखो कितनी लड़ी ये सभी लड़े घट्टो घट भी ताकि अखा के सामने बनाइया 30-40 लड़ा के लागे छागे पाती है। देखो जी 47 साल प्लस मेरी उम्र हो गई है, तो अगो फादर साहब न भी 60-70-80 के लागे छागे फादर साहब होने हैं, कम से कम 100-125 साल पुराना ढाबा होना। ये आ गई इनकी कस्तूरी मेथी, ये आ गए अदरक और ये आ गई मिर्ची, ये आ गए गाजर की बारिश और नाल आ गया इधर चुकंदर और नाल प्याज, आ खड़े मसाले सारे दे सारे, मतलब इस की हो गए काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, अनारदाना ते सुखा तल। कुलचे की पैटी कुलचे की गल से मैं घट्टो घट भी है 20-22 साल हो गए लाते, पहले खवादा ही अपने यार दोस्तों, कोई सज्जन बेली आ जाता है, उस तो बाद फिर जूं जूं गां गां चलते गए, हूँ तो कुछ कह ही नहीं सकते कि किन्ने जने खाते किन्ने जने नहीं खाए, कोई गिनती नहीं। क्रिस्पी कितना बनता, मतलब कारण है सब घ्यो के सिर तक, हूँ ताकि अखा के सामने सारा घ्यो ला, हूँ जो तैयार करा कुछ मसाले का भी स्वाद है, घ्यो हर एक ने ला लेना,
बाकी मसाले की भी लिमिट चाहिए, इन्ना मसाला इन्नी डोज चाहिए। सवेरे 4 बजे आई दा, शामी 4:30-4:30 सानू बज जांदे आ, ते कुलचा 9:30 ही चालू होना। ते किन्ने बजे खत्म होंदा? 4 बजे खत्म। अच्छा, ये लोकेशन कित्थे करके पैंदी है? लोकेशन पैंदी है गोल्डन टेंपल रोड, कार पार्किंग धर्म सिंह मार्केट के नाल ही अंदर बाजार, मोती बाजार, पुरानी मार्केट मोती बाजार। चने विच देखो यार क्या ही लाली शाही हुई है, कमाल। इच गरम मसाला बंदा है ते इच कोई तड़का नहीं लगता। अच्छा जी, प्याज ना लहसुन भाई कोई तड़का लगता, सिर्फ अपना मसाला पिया है, अपना मसाला वाला। ऐसा मारदा नहीं ते इमली चटनी। मटके विच क्यों रखदे? ठंडी रहंदी चटनी। ये आलू, प्याज, चिकंदर, गाजर, सारे मसाले खड़े, जीरा, अजवाइन, अनारदाना, काली मिर्च, सब तरह के मसाले है, कस्तूरी मेथी, जिन्ने मसाले साढ़े पैटी च पे है उन्ने मसाले ये च है। पहले होंगी मेरे परले चौंक च रेहड़ी लगती सी, उस तो जूँ है न्यू बनया, हैरीटेज बनया, उस तो बाद मैं चिट्टा ही वेला हो गया है। तो उस दरमियान मेरे घर कुड़ी हुई सी, जूँ कुड़ी आई मैं बाकी वे पैर मगर बाबे दे गुरु रामदास की कृपा, चल तू चल, चल तू चल, अगो धियाँ सब दियाँ होनी जरूरी है, बाकी वे पैर मगर रोटी पानी चली जाती है। सो भाई साहब चेक कीजिए, पैटी कुलचा बहुत ही क्रंची मज़ेदार। भाई साहब ये देसी घी है? हाँ जी। अरे भाई कोई कंजूसी देसी घी में नहीं की यार, देसी और विदेशी तड़का लगा इस कुलचे में तो स्वाद तो होना ही है। फिर ऊपर डाली इनकी चटनी, चेक कीजिए यार क्रंच यार अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल क्रंच है यार। कोई कंजूसी नहीं की जाती है, इंग्रेडिएंट की फुल मात्रा है, ये चेक करो। और जो क्रंच आता है ना इसमें बहुत बढ़िया रहता है, ये देखिए। बात हो जैको की तो अमृतसर में एक ऐसी शॉप भी है जहाँ पर 10 रुपए में भर पेट खाना मिल रहा है, पानी नालों सस्ता है, फूड मिलता है, मंजीठा रोटी, हंसराज कुलचे, जे तुसी कुलचे नहीं खाते ते मट्ठी छोले नहीं खाते ते की खादा। सो लोकेशन जेड़ी है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दवांगा, सो आओ अंदर चल। सो इधर है इन्हों के भटूरे के नाल, इधर है इन्हों के कुलचे, बहुत ही स्पीडा के नाल छोले कुलचे, पीजे कुलचे, मट्ठी छोले लगाई जा रहे हैं। चेक चने ने छोले चटनी एंड आ देखो छोले का साइज चेक करो, क्या ही बात है जी, कुलचा बड़ा टेंडर है, आराम दे नाल कट्टा जा रहे हैं। इन्हें बोलते साबे वाली पूड़ी, हवाई पूड़ी, लुच्ची पूड़ी। चने दी की खासियत है? चने बा बगैर लहसुन तो, बगैर अदरक तो, बगैर ते तड़का होंगे, बगैर सादे छोले होंगे। जहाँ पर 20 रुपए की पानी की बोतल आती है वहाँ पर ये 20 रुपए में पूरी चना दे रहे हैं। तो जनाब जो सबसे अच्छी जो खूबसूरती है यहाँ पर ये देखिए, डूने में दिया जाता है, बहुत कम ऐसे आपको, आई थिंक बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी इको फ्रेंडली कंसेप्ट नहीं फॉलो किया जाता है, लेकिन ये हमारे प्यारे से अंकल जी मतलब छाबे के ऊपर ये सामान बेच रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो गुरविंदर भाई इस समय हम हैं हॉल बाजार के अंदर RS टावर के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बोला जाता है हवाई पूड़ी या लुच्ची पूड़ी, शायद ही है कि आपको ऐसी हवाई पूड़ी या लुची पूड़ी और कहीं पर मिलेगी, और इसको छाबे वाली पूड़ी भी बोला जाता है। और जो सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि पूड़ी डीप फ्राई करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जाती है, और ये अंकल यहाँ पर अमृतसर के बाज़ारों में गलियों में बेचते हैं, बहुत सही दाम में, बहुत अच्छा जायका है, खासतौर से पुराने अमृतसर में लोग इसके बहुत दीवाने हैं। भाई फ्लाइंग पूड़ी क्यों कहते हैं? फ्लाइंग पूड़ी आई थिंक क्योंकि ये काफ़ी पतली होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, और शायद इसीलिए इसको हवाई पूड़ी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पतली होती है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जीत सिंह जी, मैं 28 साल तो लैके ये काम करता आ रहा, जो ये पूड़ी छोड़ता हाँ जी, उम्र मेरी हो गई है 53 साल। सवेरा 4 बजे उठ के सौदा तैयार करीदा जी, उस तो बाद 8 बजे अं चल पाईदा बाजार में, बाजार सौदा लैके अं बेचीदा जी, 11-12-1 बजे तक सौदा खत्म करीदा सवेरले टाइम का, दूजे टाइम का जो सौदा तैयार करीदा अं 1 बजे सौदा तैयार करके 3-4 बजे फिर वापसी आ जाते हैं। देखो जी इस करके अं ये सौदा बेची का सस्ता भी, जो गरीब बंदा भी खा सकता, अमीर बंदा भी खा सकता, जिसे ना माड़े तो माड़ा बंदा भी मेहनती बंदा है 20 रुपये नाल अपना टाइम पास कर सकता जी। कितने शक्ति नगर दुकानदार तैयार करके देंगे सौदा, अं बाजार से बेची आ गए, चने बा बगैर लहसुन तो, बगैर अदरक तो, बगैर तो तड़का होंगे, बगैर सादे छोले होंगे। ओके जी चटनी दिखाइए। हाँ जी आ चटनी है जी, इमली वगैरह होती है इसमें, पुदना होता है, बाकी इसमें नमक मिर्च डाल के चटनी तैयार करते हैं।
और ये हमारी पूरी गर्म हो रही है, ये देखो भाई साहब, इस कोयले की मट्टी आंच पर पूरी को गर्म किया जाता है, क्रिस्पीनेस पूरी हो जाती है। फिर सुबह डीप फ्राई करने के बाद इधर आकर इसको थोड़ा सा फिर तवे के ऊपर फ्राई कर, तवे के ऊपर सेक कर दिया जाता है, और इस मटके में इमली की चटनी रहने वाली है। ये देखो तो डूने के अंदर चने डाल दिए गए हैं, इमली वाली खट्टी चटनी आ चुकी है इसके ऊपर, और दूसरी तरफ से मूली और प्याज ये देखो ट्रैवल करके इसके ऊपर आ चुका है। ये देखो भाई साहब, और छोले हमारे रेडी हैं। ये देखो पूरी एकदम पतली सॉफ्ट, ये देखो। तो अंकल जी दे दो आ वाली पूरी सानू, आ देखो जी। तो ये देखो चने भी दे दिए गए हैं। तो भाई साहब जी चने देखो, इसके ऊपर थोड़े से मसाले डाले गए हैं, लाल लाल से मसाले, और मूली डाली गई है, और इनकी इमली वाली चटनी डाली है, और पूरी का ये देखो पूरी एकदम सॉफ्ट रहने वाली है। तो स्ट्रीट साइड फूड है, थोड़ी सी हम पूरी लेंगे। ये देखो ओह भाई साहब गर्मा गर्म। कमेंट करना आपने कभी खाई है, नहीं खाई तो इनके पास जरूर आना। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम गर्मा गर्म तवे पर सेक कर दी गई है, और चने देखो ओह भाई साहब, खट्टी चटनी और मूली का जो इसमें फ्लेवर आ रहा है ना, अल्टीमेट बना रहा है। और मात्र 20 रुपये में ये प्लेट दी जा रही है इनके पास। पूरी तो एकदम सॉफ्ट है, और दूसरी बात जो चने उसमें ना जो खट्टी चटनी का जो फ्लेवर आ रहा है ना, इसको कमाल बना रहा है। जहाँ पर 20 रुपये में ना पानी की बोतल नहीं मिल रही, वहाँ पर 20 रुपये में ये पूरी चने दे रहे हैं, इतने अमेजिंग है, एक बार ट्राई करना बनता है। भाई साहब अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, मेरे इस तरफ हाल गेट है जिसको गांधी गेट बोला जाता है। जैसे ही आप बाजार के अंदर आएंगे आरएस टावर है, आरएस टावर के ठीक बाहर ही अंकल बैठते हैं यहाँ पर, और बहुत बहुत सख्त मेहनत ये करते हैं, कई घंटे मेहनत करते हैं। आइएगा, खाइएगा, स्पॉट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच भाई साहब का उछालने का तरीके के लोग दीवाने, पूरा एक्शन वाला दूध रहने वाला इनका। और ये देखो, हाँ देखो दूध उछालने का भी पूरा, क्योंकि ना ये काम करना कोई एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस की बात होती है। तुर्की प्यारी साह संगत जी, ये जो दुध है 20 सालों तो इतने कड़ाई लग रही है, जिन्हिया भी संगतं इतने आदि प्रशादा छा के सामने लंगर है गुरु रामदास महाराज का, 24 घंटे प्रशादा चलता है, 24 घंटे बाणी चलती है, और बाणी का भी रस दुध में पै रहा है। तो जोड़ा संगत इतों दूरों दूरों देश विदेशों तो आ गए, शाम को लाल सिंह जी को दुध छकदिया ने। और इधर इनकी स्पेशलिटी है कि इधर जहाँ पर हम पहुँचे कि दूध पूरा एक्शन के साथ बनाते हैं। ये बाबा जी ने कई पदार्थ पाए ने, जिमें गुलाब की पत्ती होगी, हल्दी होगी, इलाची होगी, बादाम हो गए, छुहारे हो गए, भी जोड़ा ये है भी गर्म चीज़ा पाइया ने सियाल दे विच, जोड़ा बंदे का शरीर जोड़ा गर्म रहे। दूध वाली मैगी तड़का लगा के दूध वाली मैगी तैयार की जाती है। इन्हें सफर स्टार्ट होया, ये आए हजूर साहब तो जी महाराष्ट्र तो, इन्हें आके पहले चाह की रेहड़ी लाई सी, उतो उतो चलता चलता काम जिस तरह कोई सलाह देता गया, फिर दुध का इन्होंने करता पैरा, हूँ इन्हें जो दुध का काम है कामयाब है, यो काम करते हैं। शामी 7 बजे आते हैं, इतना गलासियाँ भर भर के संगत ने छकई जाते हैं, तो आनंद मान रही संगत गुरु घर के आंदा पैरों तो नंगे हैं, सब ना चंगे हैं, जेब च पंजी नहीं, किसी चीज़ की तंगी नहीं, घर च आटा नहीं, किसी चीज़ का घाटा नहीं, डांग दे डेरा अगला पिंड मेरा, सतना वाहगुरु जी दुध प्रसाद की सेवा। पूरे एक्शन के साथ दूध बना रहे हैं। 30 रुपए का छोटा, ये बड़ा 40 रुपए का जी। तो ये आगे चीनी, ये कला होती हर एक बंदे जे, हर एक बंदे जे कला होती, जिवें तुहाडे जे कला तुसी भी वीडियो बना रहे हो, आई नहीं बना सकते इतरे इन्हां बाबा लाल सिंह जी जे कला वा, ये जिहड़ा हाथ दा हुनर हुंदा है। ਢੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਫੁਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਲੜਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਅਕਲਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਜਾਈ ਨੂੰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨੂੰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਢੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ग्लास आ गया, और इसके ऊपर ये देखो मलाई भी डाल दी गई है, और एक छुबारा भी डाल दिया गया। तो ये 40 रुपए का ग्लास है जी, एकदम गर्मा गर्म
मलाई का पूरा आनंद आने वाला, क्योंकि इसमें केसर, गुलाब की पंखुड़ियाँ और सौंफ और इनमें चीनी और बहुत कुछ डाला है यार, पूरा का पूरा अमेजिंग। और कुल्हड़ वाले ग्लास में सर्व किया है और एकदम गर्म है। सौंफ का जो फ्लेवर आ रहा है ना दूध में, अमेजिंग। दूध बहुत गर्म है, इसमें मलाई का पूरा आनंद रहेगा। एक तरफ पानी चल रही है, दूसरी तरफ लोग इनका जो ना दूध पूरा इंजॉय कर रहे हैं। और मतलब मैं आप ज़्यादा रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि ना मेरा रिव्यू देने का हक नहीं बनता, क्योंकि ना ऐसा फूड जिसमें गुरबानी की पूरी मतलब मिठास मिल जाए तो ना वो सोने पर सुहागा हो जाता है। सो ऐसी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। अगर अमृतसर में आए हो ना, हरमंदिर साहब माथा टेकने आए हो ना, तो ये जगह को मिस मत कीजिएगा, लाजवाब है, इतना बोलूंगा भाई। बात करें इस वीडियो की तो भाई एक पॉइंट ऐसा था कि बीच में आके ना मेरे मुंह में इतना ज्यादा पानी आ गया था कि बस मेरे लग रहा था कि बाहर ही ना गिर पड़े। मुझे वैसे मजा आ रहा था देखने का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको वीडियो देखने को मिलती है। और स्पेशली जो लास्ट में हम लोगों ने दूध वाले अंकल जी थे ना, मुझे उनकी बातें बहुत मजे की लगी है। हाँ। जैसे वो पंजाबी में बातें कर रहे थे ना, मजा आ रहा था उनकी बातें सुनने को, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें कोई शक नहीं, हम खासतौर पर जब पंजाबी फिल्में भी देखते है ना, तो उसमें भी वो जिस तरह बातें करते है ना, उनकी एक डायलेक्ट में बहुत ज्यादा मजा है आपको जो है ना वो सुन के, क्योंकि शायद हमारी भी जो मादरी जुबान है वो पंजाबी है। हाँ। तो वो एक जो आपके वो आता है ना मजा, वो आपको फील होता है। ये भी बात करते हैं ना कि जब हम पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं ना, तो आपको यू नो थोड़ा से नाच गाना और आपके अंदर यार ढोल, जब आप ढोल सुनते हैं तो आपके अंदर एक, बेशक आप कुछ ना कर रहे लेकिन पाँव आपका जरूर हिल रहा होता है। म्यूजिक जब भी बजता है तो मैं थोड़ा सा ऐसे यू नो हिलना शुरू हो जाती हूँ ना, तो मौसम कहता है कि ये म्यूजिक लगते साथ वो क्या आ जाता है, मैं कहती हूँ मजा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ। पर खैर अभी हम बात करेंगे फूड की, तो वाकई में बहुत सस्ता और बहुत ही अच्छा, आई मीन इतने सारे मसाले और देसी घी और साथ में यू नो एक कॉम्बिनेशन अच्छा सा डिफरेंट चीजों का, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान में मुझे कहीं पर भी 20 रुपए में या 10 रुपए में एक टाइम का खाना मिल जाए। बट जिस तरीके से मुझे लगता है कि उन्होंने एक क्वांटिटी रखी हुई है वो बहुत अच्छी है। और साथ में मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि वो जो बाबा जी थे जिन्होंने जो फ्लाई वाली जो कुलचा था या पूड़ी थी जो 20 रुपए वाली, हाँ, उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि कोई गरीब हो या अमीर हो सब इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक जो एहसास होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लगता है चाहे कोई भी प्रोफेशन हो आपका, और स्पेशली खाने वाले में तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन एटलीस्ट उसका पेट तो भर जाता है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि उनकी मैं बात करूं तो 20 रुपए में जहां पे आज के जमाने में कुछ नहीं मिल रहा, 20 रुपए जो है वो बस ऐसे कि आप लेके निकले तो एम ही खत्म हो जाते, पता नहीं चलता। तो 20 रुपए में आपको दो पूड़ियां साथ आपको जो है वो छोले भी मिल रहे हैं, तो भाई नो डाउट आप जो आपको हैरानी होती है। और वो मेरा ख्याल है कि जो लच्छी पूड़ी थी वो इस तरह की थी कि वो खा के आपका पेट भर सकता था, दो बंदे भी आराम से वो खा सकते हैं। हाँ, क्योंकि और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी थी कि कोयलों वाले जो मतलब एक चूल्हा सा था और उस पर तवा रखा हुआ था और वो गर्म करके सेक के देते थे, अदरवाइज मैं कहती हूँ कि जिस तरह से वो रोड पर बैठे हुए थे, ये मुश्किल है यार इतनी सारी चीजों का इंतजाम करना। अच्छा वैसे उन्हें देख के ना मुझे अपने बचपन में एक अंकल याद आ गए, अब पता नहीं वो जिंदा हैं कि नहीं। अच्छा, है हमारी गली में से गुजरते थे उनके, हाँ, नान चने वाले वो अंकल, वो उन्होंने इसी तरह यानी कि वो सर पे उठाया होता था और साथ में एक मूड़ा उन्होंने रखा होता था, वो गलियों में चक्कर लगा के बेचते थे, उनके चने बहुत मजे के होते थे और साथ में वो भी सलाद दिया था और आई थिंक चटनी भी दिया करते थे। और ना मेरी कजन सी वो डेली दोपहर में खाया करती थी, और मैं कहता हूँ वो टाइम के इतने पक्के थे ना कि उन्हें पता था कि उन्होंने इस टाइम पे इस गली से गुजरना है, वो अंकल को, और वो गुजरते उस टाइम पे। मुझे नॉस्टैल्जिक कर दिया थोड़ा सा, आई मीन वो मैंने भी असल में दो तीन बार उनसे खाया हुआ है ना, तो उनके मुझे जो है वो, क्योंकि भाई उस टाइम पैसे इतने ज्यादा नहीं थे होते, और क्या नाम लेते हैं वो चीजें तो होती थी लेकिन पैसे नहीं थे होते, तो भाई कभी कभी खाने का मौका मिलता था तो खाते थे, मजा आता था चीजों का। अच्छा बन मक्खन मेरी बड़ी बहन को बहुत पसंद है, लेकिन इस
तरह का फ्रेश बन अगर आपको मिल जाए तो मैं कहती हूँ खाने का क्या ही स्वाद है। मौजम अभी बता रहा था, वैसे मैं अब इसके साथ जरूर जाऊंगी टेस्ट करने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अंदरून शहर में कोई ऐसी जगह है। एक जगह है लेकिन अभी ये बन मक्खन का तो मुझे नहीं पता कि वो उसमें है, लेकिन हाँ कुलचे वो बनाते हैं, हम लोग वो जाकर खा लेंगे। और वही जो जो है ना, जो पुराना एक वक्त होता था, ओवन वाला वो इसी तरह जैसे इन्होंने बीच में डाली है ना और निकाली है ट्रे, इसी तरह वो भी करते हैं। ओके, तो ये भी जरूर हम लोग देखेंगे। और दूसरा ये कि मैं हम लोगों ने जो लास्ट हमारी वीडियो थी जो कि इंडियन थाली वाली थी, जिसमें हम लोगों को हलवा पूड़ी मिली थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये भटूरे हैं। तो अब हम लोग जब जाएंगे ना भटूरे खाने, तो मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि यहाँ पर भटूरे और किस तरह क्या होती है और क्या डिफरेंस होता है पूड़ी और भटूरे में। तो ये हम ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ये लोग कह रहे थे कि ये तो भटूरे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना मतलब इंडिया कलर शायद मिलता जुलता नहीं, कलर नहीं, आई थिंक उसके अंदर कुछ और भी पड़ता है। मैं जब हम जाएंगे उनसे पूछकर फिर आपको बताएंगे। भटूरे जो होते हैं ना, वो मेरा ख्याल है उसमें दाल वगैरह जो है ना वो डालते हैं, और जो है ना वो मैदे के बनते हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा मुझे एक और चीज जिसे देखे भाई मेरे पानी बहुत ज्यादा था, वो था पैटी कुलचा। अच्छा, वो बेस्ट लगा। वो मैं कह रहा था कि भाई इस तरह का था कि वाकई बंदा पास से गुजरे ना एक बार उसका दिल जरूर करे कि यार इसे खाए, इतना वो मजे का लग रहा था। पर्सनली मसाले इतने ज्यादा पसंद नहीं है डाले, लेकिन जिसके अंदर जिस तरह उन्होंने अंदर कॉर्न्स डाले और वेजिटेबल्स डाली, वो मेरी बहुत फेवरेट है। तो मुझे लगता है कि मैं वो खाना जरूर पसंद करूंगी। वैसे अगर मैं समटाइम्स होती हूँ थोड़ा सा चीज भी बीच में डाल दिया करें या पनीर भी डाल दिया करें तो और स्वादी हो जाएगा ना। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर चीज वगैरह डाल दें, पनीर डाल दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऊपर देसी घी भी तो डाला है ना उन्होंने, तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ना डाला, हर चीज डिफरेंट खासियत होती है और उसको उसके मुताबिक बनाया जाता है। मौजा पता नहीं क्या मेरी बातों को लेकिन ऐसे खींच देता है च्युइंग गम की तरह। लेकिन आप अच्छे हैं, अभी पकड़े वापस ले आती हूँ। लेकिन भाई मैं दूध की भी बात करना चाहूंगी। हाँ। मैंने ऐसा दूध का कड़ाहा कड़ाही नहीं कड़ाहा मतलब कड़ाहा होती है नहीं, क्या? मैंने तो बड़ा इस तरह यानी कि वैसे नहीं, वैसे पत्तियों वाला तो नहीं देखा। मैंने फूल की पत्तियों वाले यार देखे, इन्होंने कहा इन्होंने दूध का कड़ाहा इतना बड़ा नहीं देखा। मैंने देखा हुआ है, चीज कंफर्म कर रही थी कि कड़ाहा मैं सही वर्ड बोल रही हूँ या नहीं बोल रही, पता नहीं भाई। कड़ाही मैंने सुना, कड़ाहा भी पहली बार। कड़ाही तो मुझे पता है छोटी होती है, ठीक है ना। अभी बड़े वाले को क्या कहते हैं, ये एक्स्ट्रा लार्ज कड़ाही है, क्या बोलते हैं। ऐसे जैसे ऊपर यू नो जिस तरीके से हम कहेंगे कि फूल की पत्तियां और केसर, इवन मैंने केसर भी नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसने देखा हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये बीच में फिर कूदेगा। हमारे घर में मैंने देखा था, जो इन्होंने मंगवाया था कभी इस्तेमाल नहीं किया, उसे जाके रख दिया कि भाई मेगा बहुत है। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, तुम इस्तेमाल करो, मुझे तो ये पता भी नहीं है। अरे मुझे तो खुद नहीं पता, देखे गायब हो गया, इस्तेमाल नहीं किया। मैंने खा लिया है मौजम, मैंने तुम्हें नहीं देना। लेकिन ये कि जो उनका प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, मुझे इंडिया की ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पर जो फूड है ना वो एक कुछ मतलब ऐसे लोग हैं जो कि इको फ्रेंडली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। और मतलब जिस तरीके से कुल्लर वाले बर्तन में दिया जाता है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इससे ये फायदा होता है, एक तो आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है उनके उनको लोगों को बड़ा फायदा है, जिनको हम कहते हैं मतलब कुम्हार बोलते हैं। नहीं, कुम्हार तो मट्टी बनाने वाले नहीं होते मेरा हाँ। ख्याल है। अच्छा चले, मैं मतलब सॉरी, मुझे वैसे कन्फर्म खुद नहीं है, मेरा ख्याल है लोहे के काम करने वाले क्या बोलते हैं, नहीं वो नहीं होते, कुम्हार ही आई थिंक होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बट ये कि बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया जाता है। मुझे दूध पीना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला मैं बिना मलाई के जरूर पीऊंगी। मैं टेस्ट करना चाहूंगी एटलीस्ट कि ये कैसा होता है, वैसे मैं भी बिना चीनी के तो नहीं, बिना मलाई के मैं जरूर से टेस्ट करना चाहूंगा। बगैर चीनी के पीऊंगा तो भाई फिर दूध जो है अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो है मलाई नहीं। अच्छा बीच में इन्होंने एक नाम भी लिया था, वो है मुझे नहीं पता, कुछ इस तरह का नाम, हाँ। से नाम लिया था, वो क्या होता है वो भी हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और भाई मैंने पहली दफा दूध वाले मैगी देखे हैं, मुझे नहीं पता था कि मैगी जो है दूध में भी पकाया जाता है। कोई बात नहीं, मैंने फेंटा वाले मैगी भी देखे हैं। नहीं बाबा वो तो मैंने, बट ये कि ओवरऑल काफी मजे के वीडियो थी, मुझे मैंने फेंटा वाले गोलगप्पे भी देखे थे। ओके फाइन, अब हम वीडियो खत्म करें, ये कुछ और आ रहा है यार। सो गाइस ये थी हमारी आज वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। इसी के साथ हम गुड बाय।